बलराम जी, आजकल हार्ट की बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही है, जैसे हार्ट अटैक एकदम कॉमन चीज होती जा रही है। मतलब इसकी कोई एज लिमिट ही नहीं है, 30 साल से 15 साल, 20 साल, किसी भी एज के व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। तो इसके लिए कोई मुद्रा है जो हार्ट अटैक पे इफेक्ट करती हो, उसमें कुछ फायदा होता हो? एक बहुत सुंदर मुद्रा योगी ने बनाई है, इसको कहते हैं अपान वायु मुद्रा। अपान वायु, अपान वायु मुद्रा, ये जो पहली उंगली ना वात की उंगली वायु, जिसको ना अंगूठे के रूप पे रखते हैं, यहाँ से अंगूठा हिलता है ना, इसकी टिप को अंगूठे के रूप पे रखते हैं और अंगूठे के सामने बाकी की दोनों उंगलियाँ एक लेवल में लाके रखते हैं और छोटी उंगली को इससे अलग कर देते हैं। अच्छा, ऐसे? हाँ, छोटी उंगली को ना अलग कर देते हैं जी, राइट। तो दिस बिकम्स अपान वायु मुद्रा। अब अपान वायु मुद्रा कोई भी समझो हार्ट, हाँ बिल्कुल सही, परफेक्ट लग रहा है। कोई भी तकलीफ हार्ट की है ना, जैसे बीपी हाई है, लो है, एंगिना, अच्छा, पेन है, ब्लड प्रेशर में भी काम करता है। हाँ, यस, कार्डियक अरेस्ट है, कोई भी अगर तकलीफ हार्ट की समझो है ना, तो इस मुद्रा को रोज अगर प्रयोग किया जाए ना 20 से 30 मिनट तक, तो हार्ट के कोई भी कॉम्प्लिकेशंस को इससे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, इसको कहा जाता है मृत सजीवनी मुद्रा। अरे वाह, ऐसा कहा जाता है कि जिसको किसी को अटैक आता है ना, तो जब तक उसको डॉक्टर की मदद मिले, तब अगर उस मुद्रा को वो व्यक्ति करेगा ना जो जिसको अटैक आया हुआ है, तो उसकी जान तक बच सकती है। अच्छा, मुझे पता था मेरे साथ बचाने वाला तो खुदा होता है, परमात्मा है। लेकिन एक बार मैं बम्बई से जा रहा था माउंट आबू की तरफ, तो वापी के करीबन 1 घंटा पहले एक व्यक्ति, एक है ना बहन जी, ऐसे दूर से आवाज करती हुई, हेल्प हेल्प हेल्प, रात का 11 बजे था, सॉर्बिट्रेट 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 हेल्प। तो मैंने जैसे ही सुना तो रिंग खुली, मैंने कहा यस मैडम आई कैन हेल्प यू, बोले डॉक्टर, मैं डॉक्टर नहीं, मैं थेरेपिस्ट हूँ। तो एक व्यक्ति को अटैक आया हुआ था, जैसे मैं उनके कंपार्टमेंट पहुँचते दो चार था, उसको घेर के खड़े, मैंने कहा सब अभी उठ जाओ, और जिस साइड एक साइड उनका जो है एक साइड पूरा काफ़ी इफेक्ट हो गया था, दूसरे साइड से मैंने हाथ में से उनके हाथ में मुद्रा बनाई और ऐसा उसको ना उस हाथ से मैंने ऐसे थोड़ा इसको पकड़ रखा था, मुद्रा बनी गई। तो वापी स्टेशन पे 1 घंटे के बाद करीब है ना, एक स्टेशन है वापी करके आती है, वहाँ पर है ना इनको लेने के लिए एम्बुलेंस 4 आदमियों के साथ आई। तो लेकिन इस मुद्रा को वो कराने के बाद में वो व्यक्ति खुद उठकर चला आया था, मतलब इतनी इफेक्टिव मुद्रा है कि जो सर्विट गोली जो जीभ के नीचे दर्द रखने से होती है ना, सर्विटेड गोली होती है, उस गोली का काम करती है मुद्रा। अरे वाह, उसके अलावा इस मुद्रा का करना इतना, तो हमें सबको बहुत अच्छे से दिखाना चाहिए कि आप लोग भी सबकी मदद कर सकें, आपके फैमिली मेंबर्स की या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने आए जिसको अचानक से भगवान ना करे अटैक आए, तो आप उस सिचुएशन में इस मुद्रा का प्रयोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, वो सामने वाले को फायदा पहुँचा सकते हैं। और एक बात बताऊँ मैं कि जहाँ पर हमको चलना है और थोड़ा लेवल ग्राउंड में नहीं है, जैसे हम माउंट आबू जाते हैं ना, ज्ञान सरोवर के पास में पूरा पहाड़ भी बना हुआ है, तो मैंने देखा कई है ना वहाँ पे आते रहने करेंगे तो हाँफते हुए चलते हैं, उनको जाके भी रोकता हूँ अपनी मुद्रा करके चलो, तो लोग बताते हैं कि जब से मुद्रा लगा के हम चल रहे हैं तो हमारा कोई भी हाँफना हमारा बंद हो गया। अच्छा, अभी समझो आप चल रहे हैं, थकावट दूर होती है इससे, थकावट चलने की ताकत आती है। अच्छा, चलने की ताकत, बिना किसी सांस को मतलब अपसेट होते हुए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं माउंट आबू, अब बड़े बड़े ऊंचे खिलाड़ी उनके साथ मैं चलता हूँ, मेरी स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है और मुझे चलना है, तो मैं भी क्या करता हूँ इस मुद्रा को लगा चलता हूँ। आपको सीढ़ी चढ़ना है, सीढ़ी चढ़ना है, अब इस मुद्रा को लगा के चढ़ोगे तो आप हाँफने हाँ बिना हाँफे हुए या बिना सांस को सेट करते हुए चल सकते हैं, इतनी इम्पोर्टेंट मुद्रा है। अच्छा, तो हर प्रकार से मुद्रा जो है ना इसमें भी हेल्प करती है कि समझो आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो रही है, उसमें भी मुद्रा हेल्प करती है। हाँ, जैसे एसिडिटी से कभी कभी हमारा सर भी बहुत जम जमके दुखने लगता है। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि चार, ये हेडेक के लिए अच्छी मुद्रा है, यस, उसमें चार प्रकार की जलन दूर करती है, ये तलों में जलन, हथेली में जलन, पेट में जलन एसिडिक रूप में, और आँखों में जलन, चारों प्रकार की जलन की मुद्रा बहुत ज्यादा। वाह बलराम जी, आपने सही कहा, ये मृत संजीवनी मुद्रा है, यदि हम इसको ये भी कहें तो कोई गलत नहीं होगा।
कितना अच्छा नॉलेज आपने हमारे साथ शेयर किया है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और मैं आशा करती हूँ कि हमारे भाई बहन भी ये मुद्रा करेंगे और इसका लाभ खुद भी उठाएंगे और दूसरों को भी पहुँचाएंगे। धन्यवाद।